हे गाइस, सो गुड मॉर्निंग। और आज हम जाने वाले हैं राकेश के समोसे, जो कि बस स्टैंड पे हैं। मतलब भूख लगी है, खैर सुबह सुबह। अभी फ़िलहाल हम आए थे हनुमान टोरिया दर्शन करने भैया के साथ एक बार फिर से। तो गाइस, गुप्ता जी कुछ बोलोगे? भूख ऊख लगी है? ओके हाँ, तो हमें तो लगी है। तो भाई के साथ आए थे घूमने। अब हम सोच रहे हैं कि चलो एक ब्लॉग बनाया जाए राकेश के समोसे के ऊपर, क्योंकि भाई ने अभी जस्ट बताया कि हरी की चाट और राकेश के समोसे छतरपुर की जान। छतरपुर की जान। तो ओके गाइस, चलते हैं अपन। गाइस, बस 1 किलोमीटर भी नहीं है यहाँ से जहाँ से हम लोग चले थे, और बस 500 मीटर ही रह गया है यहाँ से बस स्टैंड पर हमें जाना है। फिलहाल हम हैं जवाहर रोड में, और आप देख सकते हैं कि अभी दिवाली का मौसम है। मैं चाहता हूँ कि एक दिन थोड़ी सी हल्की बारिश हो जाए, क्योंकि गाइस देख रहे हैं ना, पेड़ पौधों में इतनी धूल चढ़ गई है, इतनी गाड़ी चलती है। हालांकि व्यू आ जाता, लेकिन इसके पत्तों में इतनी धूल चढ़ी हुई है, मज़ा नहीं आ रहा है। एक दिन बारिश हो जाती है ना 5 मिनट के लिए, तो बढ़िया सफाई हो जाती है। क्या कर सकते हैं, अभी मौसम नहीं हो जाता। ऐसे हरी की चाट मैं बचपन से खाते हुए आ रहा हूँ, वैसे राकेश के समोसे हैं। और यार सत्यम सत्यम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में भी बता सकता है। राकेश के समोसे भाई बहुत फेमस है, मेन स्टैंड पे दुकान है। हाँ, क्योंकि मेन बस इतने बेहतरीन समोसे 10 रुपए में। हाँ, ये छतरपुर में अभी तक उसकी क्वालिटी कोई नहीं पा पाया। वही क्वालिटी प्लस क्वांटिटी में स्टार है उसका, कह लो। सही है। तो इसीलिए गाइस, जैसे हरी की एक दोने में पेड़ भर जाता है, ऐसी राकेश के 2 समोसे में। गाइस, जैसा मैं बोल रहा था कि समोसे तो हम और जगह भी खा सकते हैं, लेकिन राकेश के समोसे खाने के लिए बस स्टैंड जा। तो गाइस, हम बस स्टैंड पहुंच चुके हैं, और आगे से मुड़ना, आगे से, आगे नौगांव वाले रोड से इस साइड है। तो गाइस, जितने भी लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं, खैर सबको तो पता होगा, लेकिन जो लोग बाहर के हैं, अगर आप छतरपुर बस स्टैंड आते हो तो गाइस, बस स्टैंड नंबर 2 पर जहाँ से नौगांव, हाँ मंदिर के, यहाँ से राइट टर्न लेना है जुगल्स फाउंड, हाँ जुगल्स होटल के सामने से, यहाँ से आपको जाना है। अब आज सीधे जस्ट सामने 100 मीटर आगे, 100 मीटर हाँ 100 मीटर ही है, पीपल का पेड़ लगा है। ओके तो पीपल के पेड़ के नीचे आपको राकेश के समोसे, और मज़ा आ जाएगा। अभी हम पेट भरने वाले हैं, या ठोक दोगे क्या? तो गाइस, हम पहुंच गए हैं राकेश के समोसे, और ओहो बस बस ठीक है, कोई तो रोक ले। कोई कहाँ जा रहे हैं यार भाई? तो पीछे शॉप है। अच्छा, पार्किंग। ओके ओके गुड। ये ऐसे, हाँ नहीं, ऐसे समझदार लोग चाहिए मुझे छतरपुर में, कि यहाँ पार्किंग की बहुत समस्या है। नहीं तो हम हमारे जैसे लौंडे होते बस वाले पीछे चलाते ठोकरे बनाते, और क्या। नहीं तो और लौंडे किसी के साथ हम आते, वो यहीं टिकाता नीचे गाड़ी, और लो देश के जिम्मेदार। वाह वाह, इस पर टाइम लगेगा, क्योंकि हम बिल्कुल सुबह ही आए हैं, और शायद ये दूसरी बार है। मतलब यहाँ पे समोसे हमेशा बनते रहते हैं, और ये शोर बहुत हो रहा है टीवी का, शायद आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी या नहीं सुनाई दे रही होगी। आपको मैं दिखाता हूँ बैक करके कैमरा। कि यहाँ समोसे बन रहे हैं, और इतने सारे लोग यहाँ लगे रहते हैं, और बेहतरीन बिल्कुल। यहाँ दिन भर यहाँ का मैनेजमेंट ऐसा है कि यहाँ दिन भर समोसे बनते हैं, और दिन भर समोसे बिकते हैं। तो गाइज, आप एक बार, जब जितने भी लोग बाहर के हैं, और अगर आप छतरपुर बस स्टैंड पे कभी आते हो, तो गाइज राकेश के समोसे बिल्कुल मज़ेदार हैं। मैं तो प्रेफर करूँगा कि गाइज एक बार आओ और खाओ, मज़ा आ जाएगा आपको। हमने टोकन ले लिया है, और बेहतरीन, मतलब आज थोड़ा टाइम लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल सुबह का टाइम है। और लो भाई, समोसे आ गए हैं उधर, समोसे एक पतीली में निकल के आ गए हैं। आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर से, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा मुझे। खैर यहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं रहती, हमेशा समोसे बनते हैं, आप देख सकते हो भाई। और हमने टोकन ले लिया, बस चलो चले। गुप्ता जी भूख लग रही है। देख सकते हैं आप कितना टेस्टी समोसा दूर ही से लग रहा है, आपको मज़ा आ जाएगा, मतलब एक नंबर। देख रहे हैं गाइस आप, समोसा अलग से ही आपको।
और गाइस यहाँ की गुजिया और रसगुल्ला, इसमें भी आपको एक नंबर टेस्ट मिलेगा। मतलब मैं जब भी आता था छोटे में एक समोसा और एक गुजिया खाता था, आज तो मेरा मीठा खाने का थोड़ा मन नहीं है इसलिए मैं गुजिया नहीं खा रहा हूँ, लेकिन समोसा दो मुझे चाहिए। दो समोसे लगा देना। अच्छा यहाँ से गाइस आपको यहाँ पे चटनी में रायता मिलेगा और मीठी चटनी दोनों मिल जाएगी। और देखिए कर दो जगह, आप देख सकते हैं समोसे कितना टेस्टी लग रहा है। हम लोग दो समोसे बोले हैं क्योंकि ज़्यादा समोसे खाएंगे, क्योंकि एक समोसे में बहुत पेट भर जाता है, तो दो में तो मज़ा ही आ जाएगा। दोनों डाल दो, थोड़ी डालनी, चम्मच डाल देना एक। देख सकते हैं समोसा आ गया और मुझे अब भूख इतनी तेज़ लग रही है कि मैं अब वीडियो बंद करने वाला हूं, क्योंकि गुप्ता जी ने तो आधा समोसा पूरा ही घटक लिया है। और गुप्ता जी एक और हो जाए। हाँ तो गुजिया बाद में देखा जाएगा। नहीं मैं तो एक ही खाऊंगा, मैं एक खाता ही हूँ हमेशा। जब भी कभी समोसे की बात होती है ना, कि जब मैं दूसरे शहरों में समोसा खाता हूँ या मैं छतरपुर में कहीं और समोसा खाता हूँ, तो मैं कंपेयर करता हूँ, तो यहाँ के समोसे से कंपेयर करता हूँ कि कितना स्वादिष्ट था। मतलब आप एक आइडियल स्वाद रहता है ना कि कैसा स्वाद किसी चीज़ का होना चाहिए, तो मैं यहाँ से कंपेयर करता हूँ और यहाँ के समोसे को जब कंपेयर करता हूँ तो कहीं मिलता ही नहीं मुझे ऐसा स्वाद। तो गाइस मज़ा आ गया मतलब राकेश के समोसे खाने के बाद। अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं, भाई का कुछ काम है। क्या है भाई, क्या लेना है? माइक, भाई को लेना है एक कॉलर माइक। और देखो यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है, बस स्टैंड के पास वाली शॉप पर देख रहे हैं हम लोग। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पीछे इलेक्ट्रॉनिक की शॉप मिल जाएंगी आपको। तो भैया जी को कॉलर माइक लेना है, हमने बोला था भैया हम तुम्हें भिजवा देंगे, लेकिन नहीं, अर्जेंट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे जस्ट मिला है कि किसी को कभी जज नहीं करना चाहिए। तो अभी हुआ क्या कि एक अंकल ने बोला कि वो सामने वाली शॉप पे मिलेगा ये माइक वो आपको ट्राईपॉड स्टैंड। तो वहाँ पे हुआ क्या कि वहाँ पे लिखा था शंकर बॉच, तो हम लोगों को लगा घड़ी की दुकान में कहाँ ट्राईपॉड स्टैंड मिलेगा। लेकिन जब दूसरे अंकल से पूछा कि कहाँ पे मिलना है, तो उन्होंने बोला कि उसी शॉप पे मिलना है। मतलब हमने दुकान का नाम सिर्फ पढ़ के वहाँ से लौट आए थे। तो गाइज कभी भी किसी को जज नहीं करो, मतलब जब तक आपको क्लियर नॉलेज ना हो। राकेश के समोसे खाने के बाद मतलब सुकून मिल रहा है। अब कुछ घंटों के लिए मैं बढ़िया आराम से बैठ सकता हूँ, कहीं कभी घूम सकता हूँ, क्योंकि पेट भर जाता है। और खैर मैंने एक ही खाया, पहले तो दो दो खाते थे तो मज़ा आ जाता था। अभी क्या है, मैं खाने को देखते हुए कि मुझे घर जाके खाना भी खाना है। अभी फ़िलहाल हमें बस स्टैंड के पीछे जो साउंड की शॉप्स हैं, और यहाँ पे भैया गुप्ता जी को चाहिए कुछ माइक चाहिए या साउंड चाहिए कुछ, तो वो देख रहे हैं। और अभी मैं जाऊँगा, देखूंगा कुछ मिल जाए, मेरे हिसाब से भी कुछ होगा तो मैं भी लूँगा। तो चलो देखते हैं अपन क्या लेना है भाई साहब को। गाइस गुप्ता जी ने लिया है माइक, तो जितने भी लोग को माइक चाहिए है छतरपुर में, तो बस स्टैंड दो नंबर बस स्टैंड में आपको यहाँ बहुत सारी साउंड की शॉप हैं, तो यहाँ आपको मिल जाएगा। और खैर जो ये वाली शॉप है पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये तो मेरे दोस्त की है छुटकू की, तो वहाँ पे आपको अच्छे रेट में मिल जाएगा। तो गाइज जल्दी से जितने भी लोग को अभी इंटरेस्ट है। हाँ अच्छा, तो गाइज अब हम लोग ट्राईपॉड लेने वाले हैं। भाई को ट्राईपॉड मैं दिला रहा हूँ कोई अच्छा सा, तो अब भैया जी ट्राईपॉड लेने वाले हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई सही है भाई, लेकिन यार तो कैमरे कैसे में मोबाइल लगाने वाला है? ठीक है ठीक है ठीक है सत्यम, ठीक है बड़ी लगा लो आप अपने हिसाब से सही। हमें भी तो गाइस भाई ने ये वाला ट्राईपॉड सिलेक्ट किया है उसके काम के अनुसार। अब देखो रेट अपन कर रहे हैं थोड़ा। गाइस हमने राकेश के समोसे खा लिए, माइक ले लिया और अभी कुछ और चीज़ लेनी है गुप्ता जी को, तो हम जा रहे हैं अब चौक बाजार, अब वहाँ से कुछ लेंगे। चलो तो भाई जल्दी, अरे रुको रुको मुझे सूजू लगी, लेफ्ट 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 लेफ्ट। तो गाइस अब यहाँ से हम मतलब अब मैं क्या बताऊँ आपको, लेकिन गाइस लघु शंका का दोबारा लघु शंका वेट कर रहा हूँ गुप्ता जी का। गुप्ता जी यहाँ जाने क्या जड़ी बूटी मुँह में डाल रहे हैं, चलें भैया। तो गाइज बस हम लोग अब निकल रहे हैं यहाँ से चौक बाजार। और तो गाइज आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे। अरे यार यहीं से तो निकलना था, यहीं से अंकल आ रहे हैं।
ओके। खैर आज अब दीपावली का मौसम है, दीपावली का आज दीपावली छोटी दिवाली तो बहुत मार्केट भरा हुआ मिलेगा। फिलहाल हम हैं फब्बारा चौक से निकले हैं और मऊ दरवाजे पहुंचने वाले। भाई यहाँ से थोड़ा जल्दी निकालो भाई, गाँव का। अरे वो क्या नहीं, वहाँ पे मतलब चाचू की शॉप है, चाचू बुला लेंगे, कहेंगे बैठो थोड़ी देर, तो फिर अपन थोड़ा लेट हो जाएंगे। अब मैं उनके यहाँ थोड़ी देर में गया हूँ, एक दो दिन में अपन फुर्सत से आएंगे भैया। जब भी मैं आता हूँ तो उनके यहाँ जरूर बैठता हूँ, समझ रहे हो ना आप। आज लग रहा है भाई, आज थोड़ा लग रहा है कि हाँ दिवाली, लेकिन सिर्फ आज लग रहा है, कल भी इतनी भीड़ नहीं थी धनतेरस के दिन, लेकिन गाइस आज थोड़ा माहौल। राकेश के समोसे खाए, इसकी क्वालिटी आपको बताई। और तो गाइस सब लोग वहाँ जाके, जो अननोन है छतरपुर बस स्टैंड आते हैं, तो जल्दी सब लोग खाना, और छतरपुर के लोगों को तो पता ही है। और गाइस भाई के साथ माइक लिया, स्टैंड लिया, तो गाइस अब वीडियो ख़त्म होती है और अपने आ गए हम अपने घर। तो गाइस थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक कर देना और अगली वीडियो बहुत जल्दी आएगी। लव यू ऑल, टेक केयर, और शेयर ज़रूर करें क्योंकि छतरपुर ब्लॉग है तो मज़ा आएगा आपको।